Hello, good morning, everybody. आप लोगों की बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आपने कहा मैं नाराज हूं, आप नाराज हो, बट मैं बहुत खुश हूं। बताओ क्यों? इसलिए कि आपने जो भी मुझे बताया या कहा वो बिल्कुल सच है। आपने सच कहा। इस बातों से मैं खुश हूं कि आपने मुझे सच कहा। चलो कोई बात नहीं। और आपने ये कहा था कि प्रेजेंट टेंस की थोड़ी झलक दिखाने को, रोल बताने को, तो मैं एक झलक दिखाया आपको। ये सिंपल प्रेजेंट है। याद रखोगे कि टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस जो है समय, समय तीन है, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत एंड फ्यूचर भविष्य। इसी तीन काल में हम लोग काम को करते हैं और तीन ही काल की बातों को हम लोग बोलते भी है, बस इससे चौथा कोई नहीं। तो मैं अभी जो लिखा था प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो तीनों के चार 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 कुल कितने हुए? 12। ये 12 श्रेणी में विभक्त हैं, मतलब बटे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो चार हैं, जिसके ये फर्स्ट है, पहला, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ये उतार लो आप। जब कोई काम वर्तमान समय में होता है तब उसका बोध प्रेजेंट इनडेफिनिट से होता है। जैसे वर्तमान समय में ठीक ठीक घटना को प्रकट करना सामान्य, सत्य को व्यक्त करना आदत या रीति रिवाज व्यक्त करना। आप हल्की पहले जान लो थोड़ी सी, ताकि आपको पकड़ आ जाए, और जब पकड़ आ जाएंगे तो फुल इसकी डिफिनेशन मैं दूंगा, वो अभी मेरे बाकी है। पहले गौर से देख लो। देख लिया सारे ने? ये आपका फर्स्ट है, यही नंबर ले लेता हूं मैं, फर्स्ट। ये मिटा देता हूं। आपने तीनों ये देख लिया ना, मेन चीज ये है। देखो, एक सामान्य घटना, देखो कैसे घटती है।
तीनों आपके पास हैं, फर्स्ट देखो, बच्चा, रोता है और दूसरा वह रोती है। फर्स्ट में द बेबी, अब क्या करना है, रोना का वह रोती है, सी वीप्स। थोड़ी देर के लिए आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यहां भी रोता है, यहां भी रोता है, सॉरी ये रोता है, ये रोती है, ये कोई बच्चा रोता है, ये कोई बड़े रोते हैं। तो बच्चा जब भी रोता है, याद रखेंगे, बच्चा जब भी रोता है तो वो क्राई करता है, मींस चिल्लाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बच्चे में क्राइस करते हैं। और जब कोई बड़े रोते हैं तो वे वीप होते हैं, ठीक है। गौर करो कि यहां भी हमारे ई एस लगे हैं और यहां हमारे एस लगे हैं, तो वो मैं फिर कभी दिखाऊंगा कि ई एस एंड एस कहां लगते हैं, ये फर्स्ट की थी। अब सेकंड के देखो, डूबता है या अस्त होता है, जो बोलो। सूर्य
the sun rises in the east and sets in the west. मैं हट जा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग एक बार देखोगे और समझोगे. अभी फिर दिखाता हूँ मैं. ये रीति रिवाज है. थर्ड में फर्स्ट दिखाया, सेकंड दिखाया, थर्ड दिखाया. हिंदू Hindus burn their judge. Okay? और ये एक वाक्य, ये दूसरा वाक्य, और दूसरा ये जोड़ दिया, ये और लगा. ठीक है, यहां पर और का एंड एंड मुस्लिम्स क्या करते हैं, दफना देते हैं, मींस गाड़ देते हैं, है ना. एंड मुस्लिम्स बरी दियर ये समझ गए होंगे. अब देखो मैं अब तक जो भी लिखा वो नियम बताया. अभी भी जो लिखूंगा वो नियम है और उस नियम को अपनाना है.
उतर लिए होगे, समझ भी गए होगे। राकिस स्कूल जाता है, तुम पढ़ते हो, मैं लिखता हूं। कौन जाता है? राकिस। राकिस गोज टू स्कूल। तुम पढ़ते हो, यू रीच। मैं लिखता हूं, आई राइट। यहां तक भी समझ गए होंगे? तालब भी शौकी एस एच होते हैं, मैं सिर्फ एस लिखा था। आई एम सो सॉरी। टू एड एच। ओके, यहां तक समझ गए? देखो, साउंड तो वही है। अब इसके बनाने के नियम क्या है? रूल को देखो। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इस वर्ब में जोड़ दो एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिखो, ठीक है। आई वी You, he, she, it, name, and they. जब भी verb लिखना है तो इसमें कुछ नहीं होंगे, यहां भी कुछ नहीं होंगे, यहां भी कुछ नहीं होंगे। जब सब्जेक्ट ही हो और इसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो आप जोड़ोगे एस ऑब्लिक ई एस, एस जोड़ो या ई एस जोड़ो। इसमें भी हमारे सेम है, इसमें भी हमारे सेम है, इसमें भी हमारे सेम, बट यहां
वर्ब में कुछ भी लेटर को कनेक्ट नहीं करना है, ये ठीक है, मिटाऊं। एक हल्का ये देख लो, अगर लेटर में सॉरी वर्ड के लास्ट में अगर ओ आ जाए तो प्लस कर देना ई एस, सी एच हो प्लस कर देना ई एस, ठीक है। बाकी और भी चीजें अब करो, फिर और आगे देखेंगे। तीन वाक्य है और तीनों वाक्य के अंत में ता हूं, ते हो, ती है, तो ये बनेंगे सिंपल प्रेजेंट में। ये कैसे बनेंगे, यहां बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हमारे वर्ब हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो लिखना है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, उसी तरह यहाँ फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी सिंपल बनाओ, नेगेटिव एंड क्वेश्चन ये नहीं बनाओ, पहले ये देख लूं कि कहां तक आप समझे हो, वो जानने के बाद मैं फिर नेगेटिव एंड क्वेश्चन दिखाऊंगा। ओके बाय।